Hey guys, welcome back to our channel Brave and Beautiful. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. और आज हम आ गए हैं अपने भाई की वेडिंग रिसेप्शन में. और आते वक्त आज हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि आज सहाला का ओकेजन था और बहुत सारी शादियां हो रही थी. रास्ते में काफ़ी भीड़ थी तो हमें आने में काफ़ी परेशानी हुई, पर फिर भी समहाउ हमने मैनेज कर लिया और हम टाइमली पहुँच गए. आने के बाद हमने देखा कि गेस्ट अभी भी आ ही रहे हैं पर घर वाले सब आ चुके हैं. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ की वेडिंग डेकोरेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई. यहाँ पे एक फाउंटेन भी है और काफ़ी बड़े स्पेस में डेकोरेशन कर रखी है, तो कहीं भी हौच पौच नहीं, कहीं भीड़ नहीं है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं. लोग अपना आराम से टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठंडा हो रहा है. और यहाँ स्टेज का डेकोरेशन हम लोग को बहुत अच्छा लगा. दूल्हा दुल्हन तो अभी आए नहीं थे तो यहाँ पे उनका इंतज़ार हो रहा था और घर वाले सब अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं. और रही बात लड़कियों की, तो क्या ही कहा जाए. जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी ठंड हो रही है, पर ठंड तो सिर्फ लड़कों के लिए होती है, लड़कियों के लिए कहाँ ठंड होती है. शादियों में, पार्टियों में, आप जहाँ भी देख लीजिए तो ठंड सिर्फ लड़कों को ही लगती है और ठंड लड़कियों को बिल्कुल लगती ही नहीं, जिसमें मेरी बीवी सबसे आगे है. घर में तो कम्बल के बाहर ही नहीं निकलती और यहाँ तो ठंडी का टी भी नहीं लग रहा. लहंगे में इंजॉय कर रही है और पक्का घर जाते वक्त मेरा ब्लेज़र मांगेगी क्यूट सा फेस बना के और कहेगी कि मुझे ठंड लग रही है. और ठंड भी तभी लगती है जब सारी शादी ओवर हो जाएगी, घर जाते वक्त तब ठंड लगेगी और फिर मुझे चाय पिलाने में बड़ी दिक्कत होगी उसको. और ये डेकोरेशन हमने काफ़ी कवर करा है क्योंकि डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत तरीके से करा हुआ है. और ये सब घरवाले बैठे हुए हैं, देखिए सब अपना अपना एंजॉय कर रहे हैं स्नैक्स को. और अभी भी दूल्हा दुल्हन नहीं आए क्योंकि मुझे लगता है उनकी गाड़ी कहीं रास्ते में फंसी हुई है. और ये रही हमारी प्यारी भाभी हमको फ्लाइंग किस देते हुए. सब लोग बिल्कुल तैयार हैं, सब लोग बिल्कुल सेट हैं कि दूल्हा दुल्हन जल्दी से आए और सब लोग खूब सारा एंजॉय करें. और अभी बहुत जल्द हम लोग को न्यूज़ आई है कि बहुत उनकी जल्दी आने वाले हैं, उनकी गाड़ी बिल्कुल पास ही में है. और इसलिए सब देखिए बच्चे भी आ गए, सब अपनी फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सब कितना इंजॉय कर रहे हैं और सब बिल्कुल तैयारी में ही कब दूल्हा दुल्हन आए और कब सब लोग उनके साथ फ़ोटो खिंचवाएँ. और ये देखिए नीतिका ने बच्चों के साथ दोस्ती कर ली और ये देखिए किस तरीके से मेरे को मुँह चढ़ा रहे हैं बच्चे. और यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचवा रहे हैं मम्मी पापा के साथ. और फाइनली इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और एंट्री इनकी हो चुकी है. अब स्टेज की तरफ जा रहे हैं और सब लोग उन्हीं सबकी नजरें उन्हीं की तरफ हैं. और ये दूल्हे की बहनें उन्हें टीज करते हुए. सब लोग बहुत प्यार से दूल्हा दुल्हन का वेलकम कर रहे हैं. और अब दूल्हा दुल्हन स्टेज पे बैठने वाले हैं जहाँ की फोटो सेशन होगा सारे रिलेटिव्स के साथ में पहले. उसके बाद सब लोग डांस करेंगे और खूब सारा एंजॉय करेंगे. तो ये देखिए सब ऑल सेट है और उन लोग के स्टेज पे पहुँचते फोटोग्राफर्स ने शुरू कर दिया फोटो सेशन. और
अब यहाँ पे हम सब लोग डांस करते हुए खूब सारा एंजॉय करते हुए। और दूल्हे की बहनें काफी एंजॉय कर रही हैं। और ये रहा सारा फैमिली डीजे फ्लोर पे, और लगता है कि आज डीजे फ्लोर तोड़ ही डालेंगे हिला हिला के पूरा। और पापा मम्मी भी बहुत जबरदस्त मूड में है। और अब लगता है कि नित्या को भूख लगाई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं खाने की तरफ। और नित्या से रहा नहीं जा रहा है तो नित्या बिरयानी की तरफ तो मैं पड़ी। दुल्हा दुल्हन फ्लोर पे पहुंच गए डांस करने के लिए, और हम सब लोग भी वहां पहुंच गए उनके साथ, सब एंजॉय कर रहे हैं। और दुल्हा दुल्हन के पहुंचते ही एनर्जी डबल हो गई है सबकी। और यहाँ पे हम सब लोग न्यू घर के न्यू मेंबर का वेलकम कर रहे हैं। और दुल्हा दुल्हन दोनों एक्साइटेड हैं, और दुल्हे की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल की है।
और सारा फैमिली मिलके एंजॉय कर रहा है और अब मेरा भी टर्न आ गया है एंजॉय करने का। तो अब मैं वीडियो एंड करके जा रहा हूँ डांस फ्लोर पे, जबरदस्त तरीके से डांस करने। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।